प्रेम में पड़े प्रेमी प्रेमिका का एक वीडियो जमुई से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमिका की शादी होने वाले होती है, लेकिन वो शादी से एक हफ्ता पहले अपने प्रेमी के घर जा पहुंचती है और वहां पहुंचकर 5 साल से चल रहे प्रेम को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी के साथ लिपट कर उसे अपने को अपनाने के लिए कहती है। इस बीच लोग दोनों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका दोनों लिपटे रहते हैं और अलग नहीं होते हैं, जिसके बाद किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल मामला जिले के बरहट थाना डाडा गांव की है, जहां प्रेमिका की शादी 11 मार्च को होनी है, लेकिन बीती रात लड़की भागकर अपने प्रेमी के घर पहुंच गए। वहीं घर में बेटी को नहीं देख परिजन परेशान हो गए। उन्होंने बरहट थाना अध्यक्ष को सूचना देकर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरहट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी के घर से दोनों को बरामद कर लिया। प्रेमी की पहचान थाना क्षेत्र के मारन गांव के उमेश यादव, पिता उपेंद्र यादव, तथा प्रेमिका की पहचान क्षेत्र के तेतरिया गांव की वर्षा कुमारी, पिता श्रवण शाह के रूप में की गई है। प्रेमी जोड़ा थाने जाने को तैयार नहीं था। पुलिस ने समझा बुझाकर प्रेमी जोड़ी को थाने लाया। यहां लड़की अपने को बालिग बता प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। वहीं प्रेमिका के परिजन बेटी को मनाने में जुटे रहे, किंतु वह टस से मस नहीं हुई और प्रेमी के घर जाने की जिद पर अड़ी रही। देर शाम तक ड्रामा चलता रहा। लड़की के परिजनों ने थाना में बताया कि लड़की के लिए नौकरी पेशा लड़का ढूंढ उसकी शादी तय की थी। यदि लड़की उस लड़के से शादी से इनकार करती है तो अच्छा लड़का ढूंढ उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करता, किंतु यह बेरोजगार लड़के से शादी कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बहरहाल थाना में लड़की को मनाने का प्रयास जारी था, किंतु वो टस से मस नहीं हो रही थी। इस संबंध में बरहट थाना अध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची और दोनों को थाना लाई, किंतु मामला प्रेम प्रसंग में शादी करने का निकला। दोनों बालिग है, किसी के परिजनों ने कोई आवेदन नहीं दिया है। नॉर्मल दोनों का पहले से जो है प्रेम चल रहा था। अच्छा, उसके बाद चलते चलते जो है शादी लग गया दोनों का, लड़के को। तो फिर जो है अपने से दोनों इधर प्रेम विवाह जिसको सत कर ले था, फिर शादी अपने रात को भाग कर चला आया था। आज ऐसा क्या हुआ? आज हुआ है कि दोनों में बातचीत हुआ है, बोला कि हम ये घर में नहीं रहेंगे। फिर जो है अपना बोला फोन से कि आ जाइए मेरे घर, तो लड़की निकला। उसके बाद लड़का कुछ दिन में जो है टेकअप कर लिया, फिर अपना घर ले आया है। थाना वो लोग आया था घर पर। घर पर आने के बाद जो ऐसे चौकीदार के फोन किया, चौकीदार ने जो ऐसे थाना को फोन किया, थाना गया उठा के लेकर चला आया यही बात पर। तो लड़का लड़की का उम्र कितना है? 20 साल कुछ करीब है। दोनों अपनी मर्जी से किया। भागलपुर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से टोटो के लिए कोडिंग की व्यवस्था की गई, जिसके तहत टोटो चालकों का रूट निर्धारित किया गया है। कोडिंग की व्यवस्था से टोटो चालक नाराज है और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। टोटो चालकों का कहना है कि कोडिंग लागू होने से कमाई कम हो रही है, ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। जिला प्रशासन से ये हमारी मांग है कि कोडिंग को रद्द किया जाए, जिस पुरानी व्यवस्था पर हम लोग ई रिक्शा परिचालन करेंगे और जाम की स्थिति से निपटेंगे और 70 मीटर दूरी का अनुपालन किया जाएगा। और सभी चालकों इसके विरोध में आए हैं। यहाँ पर शनिवार को भी जाम की स्थिति बनी हुई थी, तो मैं बीमार चल रहा था, फिर भी मुझे आना पड़ा। तो आज ये सारे ड्राइवर को स्पष्ट कर लिए हैं कि ये कोडिंग नहीं करवाएंगे, कोडिंग से इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। ये लंबी दूरी का इन कोडिंग में जो 3 किलोमीटर का जो कैटेरिया बनाया गया है यातायात विभाग के द्वारा, ये अनुचित नहीं है, कमाई मर जाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए
तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के हार्डवेयर दुकानदार से दो लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इससे दुकानदार जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर ललमटिया थाना की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। साथ ही पीड़ित दुकानदार को लिखित शिकायत करने के लिए कहा गया। वहीं पीड़ित दुकानदार के पुत्र अमित शर्मा ने बताया, कुछ दिन पहले उसके दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे बाहर से चोरी हो गए थे। इसको लेकर स्थानीय लोगों के स्तर पर मामले को सॉल्व किया गया था। इसी बात को लेकर आरोपी हमेशा दुकान पर आकर धमकी व गाली गलौज करता था, जिसका विरोध करने पर काली शाह और जयगुरु ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। परसों आगे गाली गुलम देकर चला गया। उसको जा रहा था तो हम बोले इधर आओ, तो क्या सोच के गाली दिए तू? जब देर लेन खत्म हो गया बात तो गाली देने की क्या तुक है? तो हम इसको कहता हम देख लेंगे, हम जो पहले थे वही सब रुतबा हम धार लेंगे। ये कौन बोला आपको? जय गुरु। बाद हुआ कैमरा जो उसका भैगना जो दीपक शाह है वो कैमरा चोरी किया है, ठीक है। कैमरा आजकल बोल रहा था देंगे, कैमरा नहीं दिया, हम अपने के पैसा से कैमरा लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वो आके दूसरा कोई मतलब चोरी किया था तो वहाँ पे हम उसको जो बोले कि चोर है, हम बोले हाँ वो चोर है, मैं चोरी किया है उसी पहले कैमरा चोरी था। हाँ पहले मेरा चोरी किया था। और मसूदनपुर थाना जो इसको फिर पकड़ के ले गया था 4 दिन 5 दिन पहले, जो ट्रेन से मोबाइल छीन के मतलब खींच के भागा था, कोई बगल एक शादी संगत है चोर है, हाँ चोर मेरा कैमरा चोरी किया, उसी के बाद में ये आया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ अमित भारती। यही सब चीज लेके विवाद जी 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 आगे यहाँ पे हम अकेले बैठते हैं, पापा अकेले बैठते हैं, पुलिस आई थी। हाँ पुलिस अभी आई है। बीआरपी क्रूज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि क्रूज के द्वारा आगामी मार्च 2024 में दो कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 10 मार्च को महिला सम्मान समारोह और 20 मार्च को द क्रूज रनवे वीक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शहरों के प्रतिभागी भी शामिल होंगे, जिसमें डिजाइनर, मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कई नामचीन चेहरे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर के गंगा नदी पर क्रूज में अब गोवा वाला अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा, जहां विभिन्न गतिविधियां, म्यूजिक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विशेष व्यंजन का आनंद लोग उठा पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है हम लोग आगामी 20 तारीख को एक फैशन वीक का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इवेंट कंपनी है पटना की, वो आयोजित कर रही है और बहुत सारे प्रतिभागी उसमें आएंगे, जगह जगह के, पूरे देश भर से हो सकता है लोग उसमें जुटेंगे। तो ये मुख्य रूप से कार्यक्रम का एजेंडा था जिसमें कि हम लोग आपको आमंत्रित किए हैं। क्या रहेगा कार्यक्रम में, पूरा बताएं? कार्यक्रम में रैंप वगैरह, जो रैंप वॉक होता है वो होगा, उसके अलावे आपको जो म्यूजिक शोज होते हैं, इस सब टाइप का जो व्यवस्था पूरा होता है फैशन वीक का, वो सारा रहेगा। अच्छे मॉडल्स आएंगे। पूरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार के IWI के थ्रू ये जहाज है, तो सुरक्षा के मानक को लेकर कोई भूल इसमें थी नहीं। दुर्भाग्य से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो कि दुखद है और हम क्रूज़ परिवार के तरफ से इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जो लगा कि ये ज़रूरी है, जैसे कि CCTV कैमरा का अरेंजमेंट हम लोगों ने कर दिया है, साथ ही साथ जो जो
पोलाड एरिया हम लोग बोलते हैं उसको, जिससे कि बच्चे के क्षति की सूचना हुई थी। पोलाड एरिया में हम लोगों ने वहाँ पर पैकिंग का व्यवस्था कर दिया, जो कि आप लोग अभी जब नीचे जाएंगे तो आप लोग देख भी सकते हैं उसको। उसके अलावा बाउंसर का अरेंजमेंट हम लोगों ने कर दिया है, जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें बाउंसर अवेलेबल रहेंगे। बाउंसर अगर नहीं होते हैं तो हमारे स्टाफ उसके अलावा रहेंगे जो कि उसको नियंत्रित करेंगे। भागलपुर से 1400 राम भक्तों का जत्था आस्था एक्सप्रेस ट्रेन से प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु प्रभु राम के लिए भागलपुर से सौगात के रूप में कतरनी चूड़ा, चावल और सिल्क के आकर्षक परिधान लेकर अयोध्या जा रहे हैं। आस्था एक्सप्रेस में प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान कोच बनाया गया है। आस्था एक्सप्रेस ट्रेन को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और डॉक्टर मृणाल शेखर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर जय श्री राम के नारे से गुंजायमान रहा। सबसे पहले तो सभी श्रद्धालुओं को मेरा जय श्री राम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्साहित हैं हम सभी लोग। आज 1400 लोग श्रद्धालु जा रहे हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। आज पूरा स्टेशन पे राममय माहौल है और पूरा स्टेशन श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। हम लोग अपने शहर से, हमारे यहाँ से कतरनी चूड़ा और सिल्क के कपड़े बहुत अच्छे हैं, सिल्क सिटी है हमारा, तो हम लोग प्रभु श्री राम लला के लिए कतरनी चूड़ा और सिल्क के कपड़े लेकर जा रहे हैं। प्रभु श्री राम तो हमारे 5 दशक तक टेंट में रहे थे। हम सभी श्रद्धालु बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सभी बहुत खुश थे और बहुत काम विश्व कल्याण की कामना लेकर रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लालू जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो टीका टिप्पणी की, उसे पूरा देश आहत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश की सेवा के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया, उसके लिए लालू जी का बोलना, मुझे लगता है उन्हें इस उम्र में शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने पूरे सिर्फ परिवार के बारे में सोचता हो, उसके बारे में पूरे देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति के प्रति टिप्पणी, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती। आज हम गर्व से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सभी भारतीय के हैं और सभी भारतीय के लिए नरेंद्र मोदी जी और हम एक दूसरे के परिवार हैं, किसी दूसरे परिवार की आवश्यकता उन्हें नहीं। इस तरह की टिप्पणी शोभा देती है ना, कहीं राहुल गांधी जैसी गलती लालू यादव ने की। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को इस उम्र में जब लालू जी को परहेज की जरूरत है, स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उनकी सेवा की आवश्यकता है, तब मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके सुपुत्र तेजस्वी जी उन्हें राजनीतिक मंचों पर ले जाकर उनसे गलत बयानबाजी करा रहे हैं। जिस उम्र में भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, उस उम्र में वे एक राष्ट्र पुरुष के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें देश माफ नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा करेगी। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम बदलने से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बदलते मौसम के कारण लोग सर्दी वाली खांसी और वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की भीड़ काफी देखी जा रही है। भागलपुर सहित आसपास के जिलों से लोग इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी पंचायत के महेशी गांव में कल्याणपुर दियारा के विस्थापित लोगों को सरकार के द्वारा पर्चा निर्गत किया गया था, मगर विस्थापित लोगों को जमीन पर अब तक नहीं बसाया गया था, जिसके बाद विस्थापित पर्चाधारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला पदाधिकारी, SDO, DDC, CO, BDO थाने को लिखित आवेदन दिया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कल्याणपुर दियारा के विस्थापित पर्चाधारी परिवार अपनी जमीन पर बसने के लिए पहुंच गए। विस्थापित पर्चाधारी परिवार बांस गल्ला गाड़ने लगे, जिसके बाद जमीन मालिक के परिवार मना करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष प्रियरंजन को होने के बाद घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, BDO मनोज कुमार मुर्मू, अंचल कर्मचारी सौरभ कुमार दलबल के साथ पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर मामला शांत कराते हुए दोनों पक्षों को लिखित आवेदन SDO को देने की बात कही गई। साथ ही दोनों पक्षों को जमीन पर कोई भी कार्य नहीं करने का निर्देश दिया गया। वहीं कल्याणपुर दिया विस्थापित पर्चाधारी परिवार ने कहा कि दो जगह पर्चाधारी का जमीन है, जो लोग जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, उन लोगों द्वारा जमीन खाली करने पर ही हम लोग जमीन खाली करेंगे। वहीं जमीन मालिक ने कहा कि यह जमीन जमींदार का है, जमींदार ने हम लोगों को जमीन रजिस्ट्री कर दी है, इसलिए हम लोग जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। वहीं इस दौरान सैकड़ों पर्चाधारी परिवार एवं जमीन मालिक व पुलिस बल, महिला पुलिस बल मौजूद थे।
माजरा ये है कि गंगा कटाव से विस्थापित कल्याणपुर गांव तकरीबन 30-35 साल हो रहा है, सरकार ने उसके लिए भूमि अर्जित किया बसाने के लिए, जो कि दो प्लॉट में है, एक रब्बीचक जो यही प्लॉट है रब्बीचक में, दूसरा महसी मोजा स्टेशन रोड महसी में है, सामने स्टेशन रोड महसी में है। तो फिलहाल ये लोग बसने के लिए दरबदर हो रहा है, हर जगह ऑफिस, जिला ऑफिस, प्रखंड ऑफिस, मुख्यमंत्री के यहाँ। ये लोग 70 परिवार के लिए पर्चा सरकार ने दिया है, जिसका रसीद भी कटता है। हम ही लोग के गांव के नाम पे रबी चक मौजा में महसी स्टेशन से बगल में है, वहाँ पे अवैध रूप से वहाँ के कुछ मतलब गलत शरारती लोग ने जबरदस्ती कहा गया उस पे घर बना रहे, जबकि हम लोग का उसका पर्चा है, रसीद भी कट रहा है, सरकार को लगान भी दे रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोग को भगाता है, और वो लोग घर बना रहा है तो एकदम मस्ती से बना रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग का वाजिब है तो न्याय चाहिए हम लोग को। ये मेरे दादा के नाम भी सियाल जमीन है। कितना जमीन है? 1 एकड़ सियाल है। जिसमें आपके नाम दादा के नाम क्या? दादा का नाम मदन नारायण चौधरी। कब ये जमीन लिए हैं आप? मेरे खानदान खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन है। तो उस जमीन पे आज क्या हुआ? आज यही हुआ कि भाई जबरन जब बसने के लिए आ गया। कहाँ का लोग? मोती चक्का लोग। हाँ, क्या करा वो? करा है, हमको पर्चा मिला है, हम बसेंगे। जब कोई पर्चा के लिए हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। केस चल रहा है उच्च न्यायालय में। कब से चल रहा है केस? 2016 से।